अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट की बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और पकने में बहुत ही इजी है। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने 8 अदद चिकन की लेग्स ली हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो ऑयल लिया है, जिसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और आपने इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाकी ये स्टीम में पक जाएंगी। इसी तरह मैंने सारी लेग्स को फ्राई कर लेना है। अच्छा, जो लेग्स हैं वो मैं इसी तरह, जब मेरे हस्बैंड चिकन लाते हैं तो जो मैं सारी लेग्स हैं वो एक साइड पे कर सब भी इसी तरह किया करें कि अगर आपके पास चिकन आता है तो लेग्स को आप साइड पे कर दिया करें, ताकि आपको चिकन बनाने में बहुत आसानी रहे। अच्छा जी, अब मैंने इन लेग्स के अंदर थोड़ा सा मसाला ऐड करना है, जिसमें मैंने 1 कप दही का ऐड किया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून सूर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके अब इनको सारी लेग्स पे डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है लेग्स के साथ। अब मैंने सारी लेग्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इनको एक एल्युमिनियम फाइल ली है और इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अच्छा, अपने पीसेस जो हैं वो ज़रा बड़े रखने हैं, क्योंकि आपका जो पीस है वो नंगा नहीं होना चाहिए चिकन का ना, उससे फिर ये होगा कि जो सारा मसाला है वो बाहर निकल आएगा और लेग्स जो है वो बिल्कुल जैसे कि पानी अंदर से हो जाता है वो हो जाएगी। आपने अच्छे से कवर करना है इसको। अच्छा, कवर करने का तरीका ये कि आपने इसको, ये देखें, मैंने इसको एक साइड से कवर किया, फिर दूसरी साइड से कवर किया है। अपने जो कॉर्नर है ना, उस साइड पर आपने चिकन को रखना है। अच्छा जी, आपने फिर ऊपर से फोल्ड करना है, इसी तरह आपने नीचे से अच्छे से फोल्ड कर देना है इसको। और ये देखें, मैंने इसको इसी तरह, मैंने सारी लेग्स को ना इसी तरह एल्युमिनियम फॉइल में कवर कर देना है। और ये सारी जो लेग्स हैं वो मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दी हैं। और माशाल्लाह, जब ये ऐसे कवर होती हैं तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि जैसे आप शादियों पे जाते हैं तो इस तरह चिकन को या मीट को इस तरह उन्होंने कवर किया होता है, और बहुत अच्छा लगता है उसको खोलना। अच्छा जी, अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। पानी आपने ये याद रखना है कि पानी आपके स्टैंड से थोड़ा नीचे हो। इस तरह सारी लेग्स मैंने इसमें लगा दी हैं और मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। 5 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर दूंगी। ये देखें, ज़रा बिल्कुल लो कर दिए मैंने। और कम से कम आपने 25 मिनट तक इसको पकाना है। लेग्स को पकते हुए, स्टीम लेग्स को पकते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं और माशाल्लाह जो हमारी स्टीम लेग्स हैं वो बहुत अच्छे से कुक हुई हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी और फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। और यकीन करिए, बहुत ही गर्म है और आपने बड़े एहतियात से इसको खोलना है। और ये देखिए जी, भापे निकल रही हैं और बहुत ही यमी बनी थी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए जी, मेरी स्ट्रीम लेग्स की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।